एम एन ओ पी क्यू आर पढ़ाई हो रही एस टी यू वी अम्मी की तरफ चलना है आज, तैयार हो जाना। मैं और तुम्हारी अम्मी के घर, वो भी तुम्हारी तरह अनपढ़ और जाहिली है। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी अम्मी के घर जाने का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों के बारे में ऐसा करने की? तुम हमेशा मेरे साथ यही करते हो। खामोश, अपने अल्फाज अपने काबू में रखो, ऐसा ना हो कि तुम मुझसे दोबारा थप्पड़ खा लो। आई समझ? हसन, क्या बात है, बड़ा खामोश रहता है आजकल। लगते से घर पर कोई सुनता ही नहीं है तभी खामोश रहता है। क्या भाई, क्या हो गया? क्या कर रहा है अपने घर से तू? ये सीख क्या है? क्या हो रहा है ये? हाथ कैसे लगाया है तूने? क्या हो गया? दोस्त है वो मेरा। तो चलो आज छोड़ो मेरा। तो ये क्या तरीका है? क्या? मैं तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। रोटी ले लो सर। जी मैं लेता हूँ, अगर आप ले लो। लो बेटा लो। क्या बना है ये? कोई खाना है? इससे अच्छा बना तो जेल का होता है। मैं वहां जाके नहीं खाना, जेल में खाना। इतना बुरा लगता है तो जाके खा लिया करो ना बाहर। एक कमी तो शुरू से रह दिया करें आप लोग। जिंदगी गुजर गई आप लोगों को तमाशे देखते देखते, और आप लोगों ने कभी मुझे रिश्तों का एहतराम करना सिखाया है? जिसकी वजह से ना मेरा कोई अपना है, ना मेरा कोई दोस्त बचा है, एक नौकरी बची है, एक नौकरी। उस पर तो मुझे तमीज से जाने दिया करें। रोज रोज से आपके खानों के तमाशे, फलाना के तमाशे, डिबाकाना के तमाशे देख देख के हमेशा मैं मुझे देर हो जाती जाने में। अल्लाह का वास्ता है, मुझे मेरी नौकरी पूरी करने दें और प्लीज ये रोज के तमाशे बंद करें। अरे बेटा कहाँ जा रहा, खाना तो खा लो। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मिस्टर हसन, आपको बॉस ने बुलाया है। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज पर लेट हो गया सर? I'm sorry, बस थोड़ा फंस गया था मैं, सर थोड़ा लेट हो गया। आप अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा क्यों? कोई रीजन है तो शेयर कीजिए हमसे। सर ऐसा स्पेसिफिक रीजन तो है, बस घर वालों की बहुत इश्यूज हैं जिसकी वजह से बहुत बॉदर कर रहा हूँ चीज़ों को और टाइम पर नहीं आ पा रहा। कलीग्स भी आपकी कंप्लेन कर चुके हैं कि आपका नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर और पंचुअल भी नहीं आप बिल्कुल जॉब के साथ, नॉन सीरियस बिहेवियर, तो ये तो आगे नहीं चल सकता बिल्कुल भी। सर मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं चीज़ अपने तरीके से आपके तरीके से मैनेज करूं सर।
मैं बहुत माजरत चाहूँगा लेकिन आप आगे जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आई एम रियली सॉरी। प्लीज डोंट डू दैट सर, आई डू अपोलोजाइज। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सर कि आप ठीक हो सर, लेकिन बट मैं आपको आगे कोई मौका नहीं दे सकता। मैं आपसे सर प्लीज सर एक फेवर दे दें सर, आप दो चार दिन में अपना सब कुछ कंप्लीट करके अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करवा दीजिए प्लीज। सर ऐसा नहीं दे सर, बस प्लीज एक चांस देते हैं। मैं सर पूरी कोशिश करूंगा सर, आइंदा भी कोई कंप्लेन नहीं आएगी सर। सर प्लीज देख सकें अगर आपके हैंड से कुछ हो सकता है। मैं बहुत थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों को सारी आसाइशें दे देते हैं लेकिन उन्हें जहनी सुकून नहीं दे पाते और आखिर में सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाता है।